गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ रहे थे चीनी भाई, आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, देखिए चीनी भाई एक मार्मिक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। इसमें एक ऐसे लड़के के विषय में बताया गया है जिसके माता पिता चीन के थे। इसमें एक ऐसे बच्चों के बारे में, लड़कों के बारे में बताया गया जिसके माता पिता चीन के थे, ठीक है। वह पैदा भी नहीं हुआ था जब उसके माता पिता चीन से बर्मा चले गए थे, चीन से वो बर्मा चले गए थे, ठीक है। माँ बाप की मृत्यु के बाद उस लड़के ने बहुत दुख उठाया। माँ बाप की मृत्यु के बाद, उसके माता पिता की मृत्यु होने के बाद उसके लड़के ने क्या किया, बहुत दुख उठाया। शायद उसके दुख की कहानी सुनकर लेखिका को इससे बहुत लगाव हो गया है ना। मैंने लेखिका जो महादेवी वर्मा है, वो शायद उसके दुखों को, कहानी को सुनकर लेखिका को इससे क्या लगा, उस चीनी जो बच्चे थे, क्या लड़के थे, उससे क्या लगा, बहुत लगाव हो गया, बहुत प्यार हो गया, मैंने उनसे लगाव हो गया उनसे, ठीक। उन्हीं के बारे में कहानी में पढ़ते हैं। माधवी वर्मा जो लेखिका, वो कहती है, मुझे चीनियों में पहचान कर स्मरण रखने योग्य भिन्नता कम मिलती है। मैंने वो कहती है कि माधवी वर्मा जो है वो कहती है कि मुझे चीनियों को पहचानने में बहुत कठिन होती है ना। कुछ समतल मुख एक ही सांचे में ढले से जान पड़ते हैं और उनकी एक रास्ता दूर करने वाली वस्त्र पर पड़ी सिकुड़न जैसी नाक और गठन में भी विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता। वो कहती है क्या होता है कि उनके जो मुख होते हैं, मुख के सांचे होते हैं, एक जैसा दिखाई पड़ता है, और उनके जो नाक होता है, चिपटा होता है, वस्त्र सिकुड़न टाइप का है ना, नाक के गठन विशेष में उनके नाक, मैंने उसका, मैंने माधवी वर्मा कहती है, अच्छा, कुछ तिरछी अदृपी विरल है ना भूरी और बरगाने वाली आँखें रेखांकित देख कर भांति होती है कि वे एक एक नाक के अनुसार किसी तेज धार को चीर कर बनाई गई है। आकार प्रकार वेशभूषा सब मिलकर इन दूरदृष्टि पुतलों की भूमिका दे जाते। मैंने महादेवी वर्मा जो लेखिका, वो कहती है कि चिड़ियों को पहचानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उनके रंग रूप है ना, कद काठी वेशभूषा एक सा नजर आता है ना, उनका क्या होता है, उन्हें वो पहचानने में से क्या होता, बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि जो दूर देश से ना, जैसे मैंने यह जो चार्ज लगता है कि छोटे छोटे क्या पुतलों के समान वो लगते हैं, उनके हाइट भी क्या होता है, नाटे होते हैं, ठीक है। इसी के अनेक बार देखने पर भी फेरी वाला चीनी को एक दूसरे से भिन्न करके पहचानना कठिन है, पर आज उन मुखों का एक रूप समष्टि के मुझे मुख को आद नीला में आंखों से स्मरण आता है जिसकी मौन भंगिमा कहती है। मौन का शारीरिक मुद्रा, मैंने वो जो चीनी जो मतलब लड़के को देखी थी माधवी वर्मा, उसे पहचानना मुश्किल होता है कि ये कौन था, इसको पहले देखे थे कि नहीं देखे थे, मैंने सभी एक तरह का नजर आता है, ठीक है, एक तरह का, मैंने उसे पहचानना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसे कद काठी वेशभूषा ये सब क्या होता है, सब एक ही मतलब, सबका एक ही जैसा मतलब होता है इसका, है ना। हम कार्बन को की कॉपियां नहीं है, हमारी भी एक कथा, यदि जीवन का वर्णमाला के संबंध में आपने आंखों को निरीक्षण नहीं तो तुम पढ़कर देखना, मतलब तो हम कार्बन कॉपियां नहीं है, हम लोग क्या होते हैं, अलग अलग मतलब ये होते हैं, ठीक है। हाँ, तो वो जो चीनी लड़का है वो माधवी वर्मा बोलता है कि हम कार्बन कॉपी नहीं है, अगर आप अच्छे दृष्टि से देखेंगे, सच्चे मन से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें भिन्नता पाई जाती है ना, हम अलग अलग हैं, ठीक है। अच्छा, कई वर्ष पहले की बात है, मैं तांगे से उतरकर भीतर आ रही थी कि पूरे कपड़े का गट्ठर बाएं कंधे के सहारे पीठ पर लटकाए हुए एक दाहिने हाथ में लोहे का गज घुमाता हुआ एक चीनी फेरी वाला फाटक के बाहर आता हुआ दिखा। माधवी, कई वर्ष पहले क्या होता है, जब मैं तांगे से उतर कर घर के भीतर आ रही थी तो एक कपड़े का गट्ठर लिए हुए फेरी वाला क्या होता है, वो जो गज होता है ना, गज को घुमा, लोहे का गज जिसे कपड़ा नापते हैं, उसे घुमाता हुआ वो फाटक के नजदीक आ रहा था। संभवतः मेरे घर को बंद पाकर वो लौट जा रहा था। कुछ लेगा मैम साहब, है ना, लेगा मैम साहब, दुर्भाग्य का मारा चीनी, उसे क्या पता कि ये संबोधन मेरे लिए रोष के सबसे तुरंग तरंग उठा देता है। मैया माता जीजी दीदिया बिटिया आदि ना जाने कितने संबंधों से मेरा परिचय है और मुझे प्रिय है। मैंने माधवी वर्मा कहती है, जब वो जो लड़का आ रहा था चीनी जो कपड़ा बेचने के लिए, देखा खाड़ा में कोई जा रहा था, फिर जब मुझे देखा तो बोला क्या कुछ लेगा मैम साहब। लेकिन जो लेखिका महादेवी वर्मा है वो बोलती, इस तरह का संबोधन उसे क्या होता, मैंने जो इस तरह से पूछा कि लेगा मैम साहब, उसे क्या होता, बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो कहती कि जो भी हमें संबोधन करता, जो हमें बुलाता है ना, प्यार से बुलाता है, मैया माता जीजी दीदिया बिटिया आदि ना जाने क्या क्या है, इस तरह से उनको क्या संबोधन करके उनको
मैंने कहता है कुछ भी कहता है तो, लेकिन ये क्या बोला लेगा मैम साहब, मतलब कोई इसमें विनम्रता नहीं, लेगा मैम साहब।